अमित शाह एक ऐसा नाम जिसे सुनकर विरोधियों में सन्नाटा पसर जाता है। राजनीति में अमित शाह को मोदी का चाणक्य भी कहा जाता है। अमित शाह इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटवाने का श्रेय भी काफी हद तक अमित शाह को जाता है। और अब जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे पर लोकसभा में अमित शाह ने ऐसी बात बोली कि विपक्ष निशब्द हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर के चुनाव के लिए भी रेफरेंस आया, मेरा भाषण सदन के रिकॉर्ड पर है, कोई भी उठाकर देख सकता है, फिर से सुन सकता है, यूट्यूब पर भी है, आप भी उपलब्ध करा सकते हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने स्पष्ट कहा था कि डीलिप पहले पंचायत के चुनाव होंगे, उसके बाद में डीलिमिटेशन होगा, उसके बाद में चुनाव होंगे और उसके बाद में पूर्ण राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, कोई हिंसा के बगैर जिला पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं, डीलिमिटेशन समाप्त होने के कगार पर है। और मैं फिर से सदन पर कहता हूं, गृह में कहता हूं कि डीलिमिटेशन होने के बाद सभी दलों से चर्चा कर हम तुरंत चुनाव कराएंगे, हमें कोई शौक नहीं है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अक्सर अपने भाषण से विरोधियों के दांत खट्टे करवाने वाले अमित शाह लोकसभा में जब दहाड़ते हैं तो विपक्षी भी इनके कायल हो जाते हैं। और अब अमित शाह ने अपनी बात दोहराते हुए स्पष्ट कह दिया है कि डिलिमिटेशन होने के बाद जल्द जम्मू और कश्मीर में सबसे पहले पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा।